नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम खबर में। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। 5 राज्यों में आए विधानसभा चुनावी नतीजों के बाद अब सभी की निगाहें 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। नतीजों में जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में वापसी की है, क्या उसी तरह 2019 में भी वापसी कर सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इन राज्यों के नतीजों से ये समझा जा सकता है कि राजनीति में काफ़ी बदलाव आया है। जब हम बीजेपी के स्टार प्रचारक और उन चेहरों की बात करते हैं जिनके भाषणों के बाद पार्टी को लगता था कि जनता उनसे प्रभावित होगी, तो उनमें सबसे पहला नाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आता है। इसके बाद खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का आता है, और भले ही इस हार की जिम्मेदारी तीनों राज्यों के सीएम खुद ले रहे हों, लेकिन इस कतार में से पीएम मोदी को भी हटाया नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि इन नतीजों से राजनीति में बदलाव क्या आया है? तो सुनिए, बदलाव उस वक्त पता चल रहा है जब जनता अपना वोट देकर ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये अहंकार की हार हुई है। क्योंकि आपको याद होगा, जब अमित शाह ने 50 साल तक राज करने की बात कही थी और विपक्ष को यानी कांग्रेस मुक्त होने की बात भी कही थी, शायद वो बात जनता को नागवार गुजरी। बदलाव इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब योगी ने हनुमान को दलित बताकर जातीय तुष्टीकरण की राजनीति करना चाही और अली और बजरंगबली में बांटकर धर्म और आस्था का कार्ड खेलना चाहा, तो दोनों ही कार्ड फेल हो गए। और जनता मत के द्वारा बीजेपी को बताने की कोशिश कर रही है कि अब धर्म और जाति वाली राजनीति नहीं चलेगी, विकास पर बात करनी होगी। राजनीति में बदलाव इस बात का भी आया है, जनता ने यह भी बताने की कोशिश की है कि अब सिर्फ बड़े बड़े और लुभावने वादों से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात करोगे तो फिर देना पड़ेगा। किसानों को 1.5 गुना भुगतान की बात करोगे तो किसानों को वो भुगतान देना होगा। सिर्फ रैली में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को अपशब्द बोलने से जनता आपको वोट नहीं करने वाली है। और यही कारण रहा कि तीनों राज्यों में पीएम मोदी अपनी तमाम रैली के बावजूद भी वो उन क्षेत्रों से बीजेपी की सीटें निकलवाने में नाकामयाब रहे। तो ये जो बदलाव सामने आए हैं वो हमने आपको बता दिए कि जनता अब समझ चुकी है कि उसे हिंदू, मुस्लिम, धर्म, जाति, आस्था के बहकावे से ऊपर उठकर वोट करना है, विकास पर वोट करना है। अब जनता को ये उम्मीद होगी कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर वो किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, वो उस वादे को पूरा करेंगे। अगर कांग्रेस ये वादे पूरे नहीं करती है तो फिर 2019 ज़्यादा दूर नहीं है, जनता कांग्रेस को भी वोट के माध्यम से जवाब दे सकती है। अब सवाल ये है कि इन नतीजों से 2019 में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो हम आपको बताते चलें कि 2014 के लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 27 बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि मात्र 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और अब अगर वोट प्रतिशत निकाला जाए तो 29 सीटों में से मात्र 17 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 12 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। यानी सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी 10 सीटें गवा रही है। वहीं राजस्थान में बीजेपी ने 2014 के चुनाव में सभी 25 की 25 सीटें अपने नाम की थी, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। मौजूदा वोट प्रतिशत की माने तो बीजेपी को 13 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और कांग्रेस 12 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। यानी 2014 के मुकाबले कांग्रेस को 12 सीटों का इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तीसरे राज्य यानी छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो इसमें कांग्रेस बीजेपी को चारों खानों चित करती हुई दिख रही है। 2014 में बीजेपी ने इस राज्य से 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें अपने नाम की थी और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट आई थी, लेकिन अब वोट प्रतिशत को देखते हुए स्थिति उल्टी हो गई है। कांग्रेस को 10 सीटें और बीजेपी को मात्र 1 सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कुल मिलाकर तीनों राज्यों की सभी 65 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 31 सीटें जाती लग रही हैं और कांग्रेस को 34 सीटें मिल रही हैं। और 2014 में बीजेपी को इन राज्यों की 65 सीटों में से 62 सीटें जीती थी, यानी 62 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो मौजूदा वोट प्रतिशत से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जो कि 2019 में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।